हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा ही कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये जो हमें प्रोसेस करना है, इसमें एक बेसिक बात तो बड़ी क्लियर है कि भाई यहाँ से आएगा एनालॉग सिग्नल एज ए इनपुट और वहाँ से निकलेगा एज आउटपुट डिजिटल सिग्नल, बराबर है। ओके, तो अभी ये करने के लिए भाई हमें कुछ करना तो पड़ेगा, दो प्रोसेस फॉलो तो करने पड़ेंगे, और उन प्रोसेस का नाम है पहले तो सैम्पलिंग करो, फॉलोड बाय क्वांटाइजेशन। तो अभी बात ये आती कि सैम्पलिंग मतलब क्या, आप सिंपली क्या कर रहे हो, ये जो आपका एनालॉग सिग्नल है, ये जो एनालॉग वेवफॉर्म आपको दिख रहा है, यू आर गोइंग टू सिंपली डू सैम्पलिंग ऑन दैट एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, तो आपको सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है, यू हैव टू परफॉर्म सैम्पलिंग ऑन दिस रिस्पेक्टिव एनालॉग सिग्नल एट इक्वल इंटरवल्स, और उसका जो आउटपुट मिलेगा आपको सैम्पलिंग का, वो क्या मिलेगा, सिंपल आपके सैम्पल वैल्यूज, बराबर। जितनी भी आपकी सैम्पल वैल्यूज होंगी वो आपको मिलेंगी, करेक्ट, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिली। सो व्हेन आई रिस्पेक्टिवली एनालाइज्ड सैम्पल्ड दिस रिस्पेक्टिव एनालॉग वेव फॉर्म एट रेगुलर इंटरवल्स, तो मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे सैम्पल वैल्यूज, लेकिन मैंने इस सैम्पल वैल्यू को यहाँ पे पकड़ा। अब ये जो सैम्पल वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल, ओके, इट इज इन बिटवीन 252 to 251। अब आप ये बोलोगे सारा, ये 252 और 251 है क्या, इट इज नथिंग बट सिंपली क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो वाई एक्सेस पे जो मैंने कंसिडर किया है वो 0 से 255 तक, तो टोटल यहाँ पे 256 क्वांटाइजेशन लेवल्स कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो अब ये जो सैम्पल वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज इन बिटवीन 252 and 251, बराबर इन दोनों के बीच में आ रही कहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ करते हैं। सो वॉट एवर द सैम्पल वैल्यू इज देयर, वी सिंपली राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल, टू द नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल। तो अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 252 के सबसे ज्यादा पास में, सबसे ज्यादा नियर है, तो आई विल फाइनलाइज दिस वैल्यू, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट द सैम्पल वैल्यू टू बी 252 एंड आई विल रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ अ बिट स्ट्रीम, आई विल रिप्रेजेंट दैट रिस्पेक्टिव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अ बिट स्ट्रीम। जैसे कि अब यहाँ पे टोटल कितने क्वांटाइजेशन लेवल्स, बड़ा अजीब नाम है, क्वांटाइजेशन लेवल्स मैंने कितने कंसिडर किए हैं, 256, बराबर। तो आई हैव कंसिडर 256 क्वांटाइजेशन लेवल्स, तो उसे मैं कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंपल है कि नहीं, है या नहीं, सिंपल, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो 252 आया है, इसे भी मैं 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, वॉट एवर द सैम्पल वैल्यू केम, उसे मैंने सिंपली राउंड ऑफ किया टू द नियरेस्ट आपका क्वांटाइजेशन लेवल, एंड देन आई रिप्रेजेंटेड दैट नंबर बाय अ 8 बिट स्ट्रिंग, ओके, 8 बिट स्ट्रिंग, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, सो दैट इज वॉट वी आर डूइंग इन सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब देना बाकी है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाउ मेनी सैंपल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट एनालॉग सिग्नल करेक्टली, ऐसे कितने सैंपल्स रिक्वायर्ड है, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी। तो इसका जो जवाब हमें मिला वो इस थ्योरम से मिला, वो थ्योरम था नाइक्वेस्ट थ्योरम। नाइक्वेस्ट थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो भी एनालॉग सिग्नल है उसका अगर बैंडविड्थ समझ लो बी हर्ट्ज है, अगर उसका बैंडविड्थ बी हर्ट्ज है तो आपका जो सैम्पलिंग रेट होना चाहिए, यानी सैम्पल्स पर सेकंड जो होने चाहिए, जो आपका सैम्पलिंग रेट होना चाहिए, इट शुड बी ट्वाइस ऑफ दैट बी, सिंपल, ओके। तो अगर इतना मेरा बैंडविड्थ है उस एनालॉग सिग्नल का, तो इतना मेरा निकलना चाहिए सैम्पलिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ है एनालॉग सिग्नल का, तो उसका सैम्पलिंग रेट कितना होना चाहिए, 8000 सैंपल्स पर सेकेंड, ये होना चाहिए सैम्पलिंग रेट। अगर ये मेरा सैम्पलिंग रेट है, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ फाइन, देन इट इज़ गुड, ओके, तब आप करेक्टली आप अपने एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अगर इससे कम पे मान रहा हूँ, मुझे इतना सैम्पलिंग रेट नहीं चाहिए पर सेकेंड, मैं अगर उससे कम सैम्पलिंग रेट कंसिडर करके चलता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, और उस प्रॉब्लम का नाम है अलियासिंग बोलो, कुछ भी बोलो, तो अलियासिंग, ठीक है। Aliasing is the phenomena या problem when you consider the sampling rate not as per the or less than the
recommended by this respective theorem. बराबर, I hope you are getting the respective issue. Okay, अब ये तो एक चीज़ हो गई. अभी और भी एक important factor है जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ, that problem, that error. वो error का नाम है quantization error. अब ये quantization error क्या होता है, इसके बारे में भी चलो इस वीडियो में जान ही लेते हैं, लास्ट पॉइंट. ठीक है, तो अब ये quantization error क्या होता है और क्यों होता है. सबसे पहले तो ये error क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा जब ये sample value निकली थी, इस sample value की जो value थी it was somewhere in between 251 and 252. बराबर है, ओके. हमने किया क्या, हमने यहाँ पे होशियारी लगाई, हमने क्या किया कि उसको नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल के साथ राउंड ऑफ कर दिया. बराबर है, उस वैल्यू के साथ उसको राउंड ऑफ कर दिया. तो ये जो राउंड ऑफ किया ना हमने, इस वजह से हमारा जो क्वांटाइजेशन एरर है वो इंट्रोड्यूस हुआ. इसी वजह से हमारा जो क्वांटाइजेशन एरर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ. दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइ, नाम क्या है बे, क्वांटाइजेशन एरर. बराबर, तो अभी आई थिंक सब क्लियर हो गया, सारे जो पॉइंट्स है क्लियर हो गए कि भाई बेसिकली सैम्पलिंग क्या है, क्वांटाइजेशन में हम करते क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है, अलियासिंग क्या मतलब अलियासिंग क्या कहता है, क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है. ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.